जो रुक चुटकी भरना जरा। ऐसे ख्वाब से कौन जागेगा? ये तो ना खत्म होने वाला ख्वाब है। ऐसी कुछ फीलिंग्स मेरी भी हैं। उनकी जुबानी अपनी बात कहने का शुक्रिया। तो इतना तैयार हो कि जा कहाँ रहे हैं? ये तो हम अभी नहीं बता सकते, सरप्राइज है। पहुंच के पता चल जाएगा। एपिक साहिबा, कहीं तुम साथ जाने से पहले मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती जो तुमने पहले कभी ना कहा? जो शुरू होता है आई से। आई विल किल यू मिस्टर करीम। अब अगर एक बार और कहा तो तुम्हें मारूंगी, कत्ल कर दूंगी तुम्हें। उफ, बताओ यार। यही कहना था? फिर भी अच्छी लग रही हो। चलो, अच्छा बस होंठ हिला दो, मैं डबिंग कर दूंगा इस पर। करीम, I love you so much। इस तरह तो मैं मर के भी ना कहूं। तो अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए तैयार हो तुम? बहुत बेचैनी से। इब्राहिम साहब, पहचाना मुझे? मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, आपको जहमत दी मैंने। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। क्यों ना हम एक दूसरे को नाम से मुखातिब करें दीदम? ये साहब वहाँ मेरा मिजाज नहीं, बहुत फॉर्मल लगता है। यानी इजी हो जाए नाम ले सिर्फ। ये तो बहुत अच्छा है इब्राहिम। ये बात हुई ना दीदम? एक बार फिर बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का। अच्छा ऐसा है कि मेरा तो शुक्रिया का पूरे साल का कोटा पूरा हो गया है, तो अब हम आ जाएं काम की बात पर। वो बिल्कुल बात कुछ संडे को एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में एज अ गेस्ट इनवाइटेड हूँ मैं।
और मैंने अपने हर फ्रेंड को बता भी दिया है। मॉडलिंग की दुनिया में मेरी वापसी के हवाले से बात होगी शो में, और कुछ मेरी पर्सनल लाइफ पर भी। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, मगर मेरा क्या काम है? तुम्हारा तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है इब्राहिम। मेरी मॉडलिंग में जो वापसी हुई है वो तुम्हारी तो शानदार कैंपेन से हुई है। इस कैंपेन के बारे में भी सवाल होंगे तो मुझे इसे डीपली जानना जरूरी है, जिसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। वाकई ठीक है। तो ये चक्कर है, ये बताओ तुम्हारे जहन में किस तरह के सवाल आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दे सकूं। बोलो दीदम, सुन रहा हूं मैं। तुम कैसा एडवर्टाइजिंग में? चलो रुक जाओ बस। एक आइडिया आया है मुझे जो इतना शानदार है कि सोच रही काश अपनी सालगिरह पे आया होता। कम ऑन, जुमले में हयात को डिस्क्राइब करें कि वो क्यों अच्छी लगती है। बहुत सिंपल, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके। और यही मैं भी कहूंगा। हाँ, और हयात एक खुश मिजाज लड़की है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं थोड़ा और भी कुछ कहूंगी, थोड़ी सी अलग बात है। वी लव यू, क्योंकि तुम्हारे रूप में मुझे और असली को एक बहन मिल गई। मेरी फीलिंग्स और भी हटकर हैं। असली ने और तुमने मेरे लिए इस खूबसूरत ख्वाब जैसे रिलेशन को एक हकीकत बनाया, वरना ये कभी मुमकिन ना होता। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, रहम दिल हो और कीमती भी हो। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं, तुम सब लोग खुद बहुत अच्छे हो। तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अभी मेरी बात नहीं सुनी तुमने। तुम तो मेरी भोली गुड़िया हो। वो क्यों? क्योंकि तुम गुड़िया जैसी क्यूट भी हो और प्यारे प्यारे बच्चों जैसी होली भी हो। वाह, क्या बात है। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे मेरे लिए? तुम जैसी खूबसूरत, सीधी सादी, सादा दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हयात के लिए। हयात के नाम? Love